व्यवस्था उसको समाप्त करके एक नई स्कीम लाना चाहते हैं और पिछले 7 वर्षों में हम सबने देखा है, दिल्ली के लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि केजरीवाल जी जो व्यवस्था बनाते हैं वो व्यवस्था टूट जाती है, वो चालू नहीं रहती है, झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू नहीं किए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सादरा इलाके में जोरदार प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये प्रदर्शन करते बीजेपी के बड़े नेतागण और कार्यकर्ता हैं जो केजरीवाल के खिलाफ वन नेशन वन राशन योजना को दिल्ली में लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही नेतागणों का कहना था कि केजरीवाल किसी बड़े घोटाले की फिराक में हैं, इसलिए वह इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते, गरीबों का हक मारना चाहते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, क्या कहते हैं बीजेपी के बड़े नेतागण। देखिए ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है दिल्ली में कि जो लोग जो राशन के दुकानदार हैं वो ईमानदारी की मशीन लगाना चाहते हैं और जो दिल्ली सरकार है वो ईमानदारी के मशीन को रोकना चाहती है। जो राशन के दुकानदार हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड के नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को, गरीबों के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उसको रोकना चाहती है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ई पोस मशीन लगाने से 4 लाख राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए थे, तो इसको बंद करके दिल्ली सरकार राशन माफियाओं को बचाना चाह रही है, उनके जड़ में खाद देना चाह रही है, पानी देना चाह रही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि चोर राशन के दुकानदार नहीं है, चोर वो है जो इस ईपोस मशीन को नहीं लगा देते। आप जरा मुद्दे को समझ लीजिए जी। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है और वन नेशन वन कार्ड योजना जब लागू हो जाएगी, दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है इनकी संख्या लगभग 70 लाख है, इन गरीब लोगों को भी मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलना उपलब्ध हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल क्या गरीबों के दोस्त हैं या गरीबों के दुश्मन हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। के लिए आज ये आंदोलन हुआ है, हमारी मांग है कि दिल्ली के अंदर भी वन नेशन वन कार्ड लागू किया जाए। केजरीवाल सरकार जो घर घर राशन देने की योजना बना रही है वो कुल मिलाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हमारी मांग है कि ई पोस मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जाए और वन नेशन वन कार्ड को लागू किया जाए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर
नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93 में। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211378312, 9911478312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।